जरूर सर्कल के बाहर होगी एंड मे बी वो टीम नंबर 5 हो सकती है। और यहाँ पे बीडी ट्रायल्स काफी बढ़िया, यहाँ पे बीडी ट्रायल्स के हिसाब से यहाँ पे 2 किल्स निकालते हो मरानी को फिनिश किया और उसके साथ एनबी आप डुक को भी फिनिश करते हो। बीडी ट्रायल्स काफी बढ़िया ट्राई कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, यहाँ पे जरूर निकल के आना चाहिए यहाँ पे बीडी ट्रायल्स। रोटेशन रहते हुए इंशियन ओम केश को पकड़ा गया और आप उनको यहाँ पे नॉक एंड फिनिश करते हैं बीडी ट्रायल्स। बट कवरिंग के लिए 10 मारेंगे 1 HP बॉट बीडी ट्रायल्स को फिनिश करते हुए लास्ट देखने को 4 प्लेयर्स और इंशियन रेंज के फिलहाल के लिए नॉक है। लास्ट 1v3 का 1v2 का फाइट रहेगा इंशियन इंशियन के ऊपर जिम्मेदार है काफी सारे। M4 का फायर पे जरूर है वाजपी हवा में अच्छी बॉट है गाइस दिक्कत है उनके लिए बनाते हुए हाफ एनएच भी डैमेज चेक है एंड एपिक्स क्लोज इन करने की कोशिश है जरूर ऑर्डर की तरफ से गाइस की गई थी बट ऑर्डर को एपिक्स गणेश में नॉक निकाल चुका है N1 HP बॉट का उनको भी एपिक्स जरूर अपन लेना चाहते एक नेड एपिक्स 1 HP बॉट की तरफ से रहेगा और अगर वो नेड एपिक्स हल्का भी कनेक्शन बनाता है तो एपिक्स गणेश लैब दिक्कत बनेंगे। अगर वो नेड हल्का सा भी कनेक्शन बनाएगा तो दिक्कत रहेगी बट फिलहाल नया कनेक्शन आने देगा और यहाँ पे एक नेड जरूर मैं कहूँगा गणेश की तरफ से अपने नेट देखने को मिलेगा एंड अगर उनके नेट गैस कनेक्शन बनाएंगे तो समस्या दुविधा संकट यहाँ पे जरूर निकल करेगा। 1 HP बोर्ड काफी बड़ा पिक एंड फायर है गणेश की कहानी समाप्त करते हुए टीम यहाँ पे दिक्कत तो जूझेंगे बट यहाँ पे क्या निकल करेगा फिलहाल यहाँ पे आइसमैन यहाँ पे मिस्टर आशुष यहाँ पे पहला भी यहाँ पे पकड़े गए और यहाँ पे पहला AKM का फायर इंप्रेस करने के लिए बनते हुए लावी यहाँ पे नॉक होते हुए यहाँ पे मिस्टर आशुष के ऊपर भी लगातार यहाँ पे स्प्रे का विदा AKM बड़ा अभी तक रहा हाफ एनएचपी उनको डैमेज किया सीधा आइसमैन का गाइस कवरिंग में फायर यहाँ पे लगातार विदा AKM सेकंड यहाँ पे यूज उनके पास देखने के लिए फिनिश पॉइंट यहाँ पे लावी का सिक्योर करते हुए देखने को मिला। टीम नंबर 16 जिस तेजी से आई थी उसी तेजी से वापस उनको लॉबी में भेजा जाएगा। इस दिक्कत है भारी काम पूरा जारी और यहाँ पे आइसमैन के ऊपर पूरे यहाँ पे गाइस फायरिंग की बौछार बट फिलहाल आइसमैन गाइस आराम से सेफर साइड जाना चाहेंगे उन्होंने अपना फिनिश पॉइंट सिक्योर किया। 2 प्लेयर का नुकसान टीम नंबर 16 पर देखेंगे लास्ट प्लेयर मिस्टर आशु और अभी तक लगे कोई भी गन फायर उनके लिए तरफ नहीं और यहाँ पे 1 HP यहाँ पे मिस्टर आशु के लिए दिक्कत बनाएंगे 1 HP ऑर्डर विद M16A पे फिनिश पॉइंट को ग्रैब करते हुए एंड इसी के इंपल एक्स की कहानियां समाप्त होती हुई गाइस पूरा दिखाने की कोशिश रहेगी बट एग्रेशन में फर्स्ट लीड यहाँ पे नॉक निकाल चुके नॉक निकालेगा लीड को और सीधा फिनिश पॉइंट सिक्योर करेगा। टीम नंबर 12 कोई भी माफ यहाँ पे देना नहीं चाहिए बट शैडो को फिनिश करते हुए एक क्लोज इन का फैक्टर रहेगा 3v2 का फाइट देखने को मिलेगा नॉक खेलेगा फिनिश यहाँ पे खेलेगा एक्स से काफी बड़ा गेम प्ले देखने को मिलेगा। टीम नंबर 7 का 1 प्लेयर का नुकसान बट 4 फिनिश ग्रैब कर चुके टीम नंबर 1 का भी आगे हमें देखने को मिलेगा शेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा टीम नंबर 1 है के यहाँ पे रिस्क यहाँ पे एक नॉक निकाल चुका एक्स नॉक हो चुका रिस्क की तरह से काफी बड़ा गेम प्ले का बहुत दर्शन रेंज की ऑन फायर गाइस काफी बड़ा एक नॉक निकालेगा अभी तक लगे यहाँ पे नुकसान नहीं पर शेरी यहाँ पे उनको भी नॉक निकाला जाएगा जरूर उनको भी नॉक निकाला जाएगा बट 1 HP के साथ शेरी गाइस बैकफुट करते बट लैग यहाँ पे लैग्स भी बहुत जुदा है शेरी को नॉक निकालेगा। टीम नंबर 1 गाइस प्रदर्शन नेक्स्ट लेवल जाता हुआ है टीम नंबर 7 की तरफ से जाट अभी भी मौजूद रहेंगे एक्स को यहाँ पे जरूर रिवाइवल मिल जाएगा एक्स को यहाँ पे रिवाइवल यहाँ पे जरूर मिलेगा एंड एक्स को फिलहाल यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका बट यहाँ पे 2 प्लेयर का नुकसान है रिंस की यहाँ पे आते हुए देखने को 4 बजे यहाँ पे रिंस की एक फाइट यहाँ पे जरूर हो सकती है तो भाई रिंस की स्पॉट किया गया टीम नंबर 1 यहाँ पे स्पॉटेड रह गया एक मॉलीटॉप करना चाहिए बट यहाँ पे गलत फैसला लिया गया था बट ड्रॉप काफी जल्दी करते हुए देखने को मिले एंड यहाँ पे रिवाइवल यहाँ पे जरूर यहाँ पे मिल जाएगा रिंस की को देखने को मिलेगा 2v2 का फाइट रहेगा एक्स यहाँ पे लेग्स के ऊपर और एक लेग्स भी तरह से यहाँ पे नॉक निकलेगा जाट यहाँ पे लगातार मॉलीटॉप करते हुए लेग्स भी फिनिश पॉइंट को सिक्योर करेगा रिंस की रिवाइवल में का लगातार मॉलीटॉप का यहां पे योगदान रहेगा ना पे किंग वापस वो भी आना चाहते हैं एक नीड वापस रखने की कोशिश यहां पे जरूर वापस यहां पे करने वाले एक नेड यहां पे गाइस जाता हुआ लगातार यहां पे जाट की तरफ से गाइस नेड जाते हुए देखने को लगातार यहां पे नेड कनेक्शन पे ढूंढते हुए देखने को मिला जाट एंड पे एक फाइट यहां पे जरूर देखने को मिलेगा पे जाट वर्सेस यहां पे किंग वापस और एक और रॉक यहां पे जाट की तरफ से काफी बड़ा फिनिश पॉइंट को सिक्योर करने की जल्दबाजी और यहां पे गाइस लेग्स भी को मिला चांस का काफी बड़ा लेग्स भी गाइस गेम प्ले टीम नंबर 1 गाइस 7 फिनिश अभी तक निकाल चुके लेग्स भी और 4 गाइस मैं रिंस के ऑन 2 एंड किंग ऑन 1 देखने वाले 7 फिनिश बट अभी तक कोई भी प्लेयर का नुकसान नहीं फाइट अप टीम नंबर 15 के पास भी यहां पे जाएंगे आई लव काफी बड़ा गाइस पहला फिनिश गाइस ग्रैब कर चुके टीम नंबर 1 के लिए दिक्कत है भारी और यहां पे गाइस आए रे यहां पे गाइस काफी बड़ा पे लास्ट प्लेयर टीम नंबर 1 यहां पे गाइस रहेंगे यहां पे गाइस रेनेस की क्या यहां पे गाइस रेनेस की गाइस यहां पे गाइस 1v4 यहां पे गाइस निकाल पाएंगे देखने वाले टीम नंबर 15 गाइस वो भी यहां पे देखने को मिलेगा टीम नंबर 15 के साथ भी फाइट अप ग्रैब करना पड़ सकता है। टीम नंबर 8 गाइस टीम नंबर 3 यहां पे गाइस सारी टीम्स यहां पे गाइस मौजूद है सर्कल यहां पे गाइस बन चुका हमारा फोर्थ एंड गाइस थोड़ी देर में गाइस सर्कल भी देखने को मिलेगा फ्लैग फायर यहां पे जरूर किया गया और यहां पे गाइस रेनेस की का पहला नॉक काफी बढ़िया है प्रेस रेंज की एक और फिनिश पॉइंट अपने टीम के लिए जीत करते हैं पिछली बार बीटी टैग का गेम देखा था एंड इस बार हम देखेंगे रेंज की का गाइस गेम प्ले।
रेनेस के टीम नंबर 15 का है यहाँ पे, एक और नॉक निकालते हुए काफी बड़ा 1v2 का यहाँ पे सीनियर हो रहा है। 1v3 कर सकते हैं क्या जी गाइस? एक 1v3 गाइस, रेंस क्यों ना पाएगा, एक 1v3 नेक्स्ट लेवल 1v3 है पर रेंस की तरफ से लगातार तीन ने पे दो का फिनिश पे निकालेगा पे 3 और 15 को बीट किया गया अनबीटेबल इस एचपी के साथ। एक 1v3 निकाला, इट्स नॉट इजी थिंग, पर वो निकाल चुके 10 फिनिश पे 1 के पास, ये फिनिश अनबीटेबल रहेगा। पर अभी भी 12 टीम से, अभी भी 12 टीम 37 प्लस लाइव है एंड जान के पास रहने वाली है और पे फायर में रॉकी भाई, बट कवरिंग नेक्स्ट लेवल रहेगा एंडी की तरफ से, कवरिंग देखने को दो प्लेयर पे नॉक जरूर देखने को, बट एंडी यहां पे मॉल देख के सीनियर 3 पे उनको आना पड़ेगा, एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। अगर बात करें जीरो के यहां पे यूनिक की जीरो के मन की तरफ उनको यहां पे एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, बट एक और नॉक यहां पे काफी बड़े एमआरडी यहां पे करते हुए देखने को, एमआरडी एमडीआर यहां पे काफी बड़े दोनों का यूनिक यहां पे नॉक हो चुके दोनों के अमन एंड अगर बात करें मैक्स यहां पे देखने को मिल रहे उनको यहां पे जल्दी आना पड़ेगा, अदर वजह से दिक्कतें भारी और काम पूरा जारी हो सकता है। अमन यहाँ पे आने की कोशिश ऑफिस जरूर रहेगी, बट कितना वो आगे यहाँ पे क्लोज इन कर सकते हैं वो देखने वाले होते हैं। जो कि आपके उनको रिवाइव मिल चुका टीम टू के पास बीटी यहाँ पे, और यहाँ पे एक पैन फाइट देखने में बीटी ट्रैवल्स पैन के साथ आते हैं फिनिश पॉइंट्स को ग्रैब करते हुए, ये अनबीटेबल है। बीटी ट्रैवल्स पूरा खेल फील्ड में इमोशनल टाइम में पैन वहाँ पे करते हुए देखने को मिल गए थे। कोशिश रिवाइवल वहाँ पे देना जरूर चाहेंगे, बट कितना वो कर पाएंगे फिलहाल के लिए जरूर है, दिक्कतें बनती हुई वन एनबी को नॉक निकालते हैं। रॉकी भाई पे टीम टू का काफी बड़े गेम प्ले का प्रदर्शन कवरिंग नेक्स्ट लेवल, पिछली बार हमने रॉकी भाई एनडी को देखा था बट इस बार हमने देखा भाई साहब फिर से रॉकी भाई को अच्छा खासा उनको डैमेज प्राप्त हो रखा है। बीटी अगर पांडा की बात करें वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पे नॉक है एंड अगर जिम्मेदारियां की बात करें ट्रायड्स एंड क्वीन जिम्मेदारियां पूरी रहेंगी और कवरिंग के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा और एसटीएफ का सीधा घुसते हुए देख रहे हो पांडा को जरूर फिनिश करेगा। एक नेट वहाँ पे रखना चाहते ट्रायड्स एक नेट वापस करना चाहेंगे और नेट किया जाएगा, नेट किया गया बट कनेक्शन बनाने में असमर्थ और ये सर्कल का काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कतों भरा रहेगा। कुछ अगर थ्रो बस देखने को मिले 9 की तरफ से दिक्कतें बन सकती है और यहाँ पे मॉलिटॉप किया गया एसटीएफ यहाँ पे काफी बड़ा मॉलिटॉप रहेगा और यहाँ पे ड्रायर्स को नॉक निकालते हुए एसटीएफ 20 गैस काफी बड़ा एंड गैस कमिंग इन रहेगा और अब दिक्कतें बनेगी। क्वीन ओपी का पहला नॉक निकालेगा बट यहाँ पे अगर क्वीन ओपी के बाद एसटीएफ 20 यहाँ पे बोल रहे पूरा क्वीन ओपी का फिनिश बोल रहे सिक्योर करते हुए यहाँ पे इसी तरीके से एसटीएफ यहाँ पे अपना चिकन ड्रा पहले हाथ में लेते हुए कनेक्शन यहाँ पे ढूंढते हुए क्या कनेक्शन यहाँ पे ढूंढ पाएंगे देखने में बताइए फिलहाल यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे जरूर नीड का नहीं मिलेगा बट यहाँ पे एग्रेशन पूरा अलग अलग लकी की तरफ से एक और नीड यहाँ पे आता हुआ और यहाँ पे एक नॉक मिल चुका है एफआई को नॉक किया गया एंड सीधा एग्रेशन दिखाने की कोशिश पे रही है दोनों यहां पे देखते हैं एक फायर पे करते हुए और यहां पे काफी ब्रेक और फायर पे करेगा और अपने सरपंच की तरफ से एक मिल के अपने नॉक निकालेगा फिनिश पॉइंट के पे जोन पे सिक्योर करते हुए देखो टीम नंबर 5 पे दिक्कतें भारी काम पूरा जारी एंड भी यहां पे गाइस देखने को मिलेगा और अगर बात की बस ड्रॉ उनको यहां पे रिवाइव मिल चुका है लकी गाइस काफी कमेंट पे देखने को लगातार पे नेट पे इसके मरानी पे देखने को मिलेगा
बड़ा जरूर आईडी सरपंच सीधा आते हुए और यहाँ पे पहले नॉक की तलाश, बट यहाँ पे सरपंच को नॉक किया, सिक्योर किया जाएगा, माफी कोई भी नहीं, बट यहाँ पे हेड मास्टर भी नॉक होते हुए देख रहे, लकी गाइस कमिंग इन रहेगा, जोनो यहाँ पे काफी प्लेयर्स खेलते हुए, तीनों प्लेयर नॉक हो चुके, जोनो के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी, और यहाँ पे मरा नहीं बस जोनो रहेगा, क्या होता है निकल गया फिलहाल, मरा नहीं बस कोच के उतर गए, बट जोनो यहाँ पे काफी बढ़िया कवरिंग, एक जंप शॉट यहाँ पे और यहाँ पे टीम नंबर 18 को काफी बढ़िया एक कवर प्रोवाइड करते हुए जोनो गाइस नेक्स्ट लेवल गेम प्ले पर, जोनो की तरफ से तीन फिनिश पे निकाले हैं अकेले और काफी बड़ा इस गेम प्ले का प्रदर्शन पेश कर चुके हैं, यहां पे स्क्रू जाता हुआ देखने को मिलेगा, एंड यहां पे अब यहां पे प्लेयर्स प्ले पर समस्या जरूर नहीं, और यहां पे गाइस काफी बढ़िया गाइस यहां पे टाइगर देखने को मिले, बीटी की टीम गाइस पूरी बीट हो चुकी है, क्वीन ऑफ पीस लास्ट पे टीम 11 गाइस क्या क्वीन ऑफ पीस के पंगे देखने को मिलेगा, फिलहाल यहां पे गाइस क्वीन ऑफ पीस कोशिश जरूर करते हुए देखने को, एसएफ 20 पे गाइस पॉइंट किया गया, उनको फायर किया गया, बट अपन नॉक निकला, बस पता है गाइस क्वीन के क्वीन को भी यहां पे फिनिश किया गाइस, स्टीफ की तरफ गाइस काफी बढ़िया लास्ट 3 टीम्स रहेगा, अंडर स्टैंड पे देखने को मिलेगा, और यहां पे स्टीफ के ऊपर टाइगर ऑफ पीस लगातार पे स्प्रे देखने को मिलेगा, लगातार पे टाइगर की तरफ से स्प्रे देगा, इसके बाद पर अपन दिक्कत में वो भी देखने को मिलेगा, अपन एक और नॉक है डबल को नॉक किया, टीम नंबर 9 पे दिक्कत है भारी रहेगी, काम पूरा चलेगा टीम नंबर 7 पे, उनको भी थोड़ा सा एंट्रेंस देना पड़ेगा, नेक्स्ट सर्कल 8 सर्कल रहेगा, एंड जोन एक रोटेशन के पे तलाश रहेगी उनको, और यहां पे रोटेशन लिया गया कवर उनके पास मौजूद रहेगा, यहां पे स्टीफ के लिए पे दिक्कत जरूर बनाना चाहते जरूर है, वाइपर काफी अच्छा व्यू मिल सकता है, और यहां पे वाइपर का व्यू मिला, वाइपर को नॉक निकालेगा, फिनिश यहां पे करेंगे, कोई मौका नहीं दिया जाएगा इस टाइम पे गाइस, कोई मौका नहीं, टीम नंबर 18 गाइस काफी प्लेयर 11 फिनिश पे निकाल के, टीम नंबर 7 के ऊपर भी लगातार अंधा स्प्रे किया जा रहा है, अंधा स्प्रे गाइस कनेक्शन पे गाइस बनाए भी जा रहे हैं, काफी बड़ा स्प्रे किया जा रहा है, काफी बड़ा एनएफएस के एक्सेस को पे नॉक निकाल सकते हैं, 1 एचपी और एक्सेस के स्प्रे आया, और यहां पे गाइस जोनों की कहानी खत्म, जोनों को रिवाइवल मिलना इस टाइम पे इट्स अ इंपॉसिबल थिंग, फिलहाल है बिकॉज तीन टीम 7 प्लस आर स्टिल अलाइव राइट नाउ, 2v2v2 का ऐसा सिनेरियो बन सकता है, अगर जोनो को पर रिवाइवल नहीं मिला तो अगर 6 प्लस का सीन बन सकता है, अगर 2v2 का स्प्लिट अप एक सिनेरियो में देखने को मिल सकता है, लगातार नीड्स भी यहां पे देखने को मिल रहा है, लगातार अगर टीम 18 की तरफ से एक और यहां पे एसटीएफ है बिकॉज डेविल की तरफ से एक नॉक निकल गया, एक्सएक्स ऊपर नॉक हो चुका, लकी यहां पे आना चाहते जरूर है, एसटीएफ डेविल ऊपर देखने को मिल जाएंगे, उनके अगर बात एसटीएफ के बीस्ट ऊपर देखने को मिलेगा, एसटीएफ गाइस काफी बढ़िया गाइस फायर अप है, कमिंग को जरूर लो है, लकी के ऊपर बढ़िया पे ऑन स्मोक है, लकी अब स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं, एसटीएफ डेविल यहां पे दिक्कत है, उनके लिए बनाना जरूर चाहते हैं, कितना बना पाएंगे, फिलहाल 20 पे पकड़ा गया, बट यहां पे एसटीएफ चिकन डेयर निकाला गया उनकी तरफ से, काफी बढ़िया यहां पे चिकन डेयर विद अ 5 फिनिशर पे चिकन डेयर निकाल चुका, बट यहां पे #2 के साथ अगर बात करें आईयूडी की टीम 11 फिनिशर्स।